हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चीज़ मैक्रोनी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है और सबको बहुत पसंद आती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चीज़ मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में 5 कप पानी लिया है। इसमें मैं 1 कटोरी मैक्रोनी डाल दूँगी। ये हमें बॉइल करनी है। इसमें मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगी, 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, बॉईल होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, पानी अभी बॉईल नहीं हुआ है, पर हम बीच बीच में इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपकने लग जाएंगी। फ्रेंड्स, पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हमें मैक्रोनी को अच्छे से पका लेना है जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स, मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो गई है। आप कैसे चेक करेंगे कि मैक्रोनी बॉईल हुई है या नहीं है? हम इसको हाथ से दबा के देख सकते हैं। देखिए, अच्छे से दब रही है। या आप एक पीस इसका ठंडा करके खा करके भी देख सकते हैं। आइए इसको छान लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मैक्रोनी का पानी निकाल दिया है और इसको एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दिया है। आइए अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। फ्रेंड्स, ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ी शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक कट कर ली है। आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। 1 बड़ा प्याज, 1 चीज़ क्यूब कद्दूकस कर लिया है, 3 टमाटर की मैंने प्यूरी तैयार कर ली है और 4-5 कली मैंने लहसुन की एकदम बारीक कट कर ली हैं। आप जो चाहें वो सब्जियाँ इसमें बिल्कुल बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। आइए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टील की कढ़ाई ली है। आप लोहे की या नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। गरम होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है। सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली है बिल्कुल बारीक कटी हुई। प्याज भुन चुका है, हम शिमला मिर्च डाल देंगे। दो से तीन मिनट तक पका लेंगे।
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो चुके हैं, अब हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अच्छी तरह से पका लेंगे। चिली फ्लेक्स डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें टमाटो केचप डाल देंगे। टमाटो केचप डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें और फ्रेंड्स 1 चम्मच हम इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे। बहुत अच्छे से सबको पका लेंगे। फ्रेंड्स चीज़ मैक्रोनी बना रहे हैं तो चीज़ तो हम इसमें डालना ही भूल गए, अब हम इसमें चीज़ भी मिक्स कर देंगे। चीज़ डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइए मैक्रोनी भी अब ठंडी हो चुकी है, हमने बॉईल करके ठंडी होने रखी थी, मैक्रोनी ठंडी हो गई है, मैक्रोनी को भी ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ती डालने से फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसको टिफ़िन में पैक कर रहे हैं तो इसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए ताकि एकदम जमे नहीं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाला है क्योंकि मुझे लंच बॉक्स में पैक नहीं करनी है। बॉईल होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, हमने जो पानी डाला था वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। आइए सर्व करते हैं। फ्रेंड्स चीज़ मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, हमने सर्व भी कर दी है। अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।